तो देखो बच्चों, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और बार बार ये यही जानना चाह रहे हैं कि भाई न्यूक्लियाई न्यूक्लियर डेंसिटी कैसे रिलेटेड होती है। तो ये कुछ न्यूक्लियाई हैं, बी है, एल आई है और आयरन है, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ न्यूक्लियाई आपको दिया हुआ है, तो क्या न्यूक्लियाई डेंसिटी ऐसे रिलेटेड होती है क्या? बिल्कुल गलत बात है। न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है, न्यूक्लियर डेंसिटी जो वो होती है मास ऑफ द प्रोटॉन और ये 4/3 पाई आर क्यू, ये रिलेटेड होती है भाई रेडियस। और ये क्या होती है, वो कांस्टेंट होता है भाई। दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन में आया है। और इस कांस्टेंट की वैल्यू 10^17 kg/m³ के ऑर्डर की होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर डेंसिटी या बी आई बराबर होगा लगभग लगभग न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ आयरन, और ये सारे आपस में इक्वल होंगे, समझ रहे ना, ये सारे आपस में इक्वल होंगे, ना कि ग्रेटर होंगे। तो गलत बात। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियर रिलेटेड टू, हाँ ये भी, ये स्टेटमेंट न्यूक्लियाई की जो रेडियस होती है आर नॉट इज इक्वल टू ए 1^3 के इक्वल होती है। वे आर नॉट क्या है, एक एक कॉन्स्टेंट है और ये एटॉमिक एटॉमिक मास है, ठीक है। तो मास नंबर है, ठीक है, मास नंबर है। तो यहाँ से तुम देख लोगे यहाँ से बेसिकली। तो हाँ चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट ऑप्शन एसर्शन है वो गलत है और आर जो है वो सही है। मतलब ए इज ट्रू, ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। बेसिकली ये कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था।